अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि हर शोबे की अपनी एक आज़ादाना तारीख होती है। अब हम देखेंगे कि माजी में इन शोबों की तरक्की के लिए इनमें क्या इकदाम किए गए और इन शोबों की तारीख को हम मुस्तकबिल में किस तरह काम में ला सकते हैं। हमारे हिसाब में हमें 7 शोबे दिए गए हैं, फलसफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, फनून, सनत व हरफत और तजारत, इंतजामी उलूम और इंसानी उलूम, जिसमें पहला है फलसफा, मुख्तलिफ नजरियात की इब्तिदा, फिक्री रिवायात का पस मंजर और इसकी पेशरफ की तारीख समझने के लिए फलसफे की तारीख का मुताला करना जरूरी होता है। फलसफा यानी इंसानी जिंदगी के किसी भी एक पहलू या किसी भी टॉपिक का गहराई से मुताला करना और इसके मुताले के बाद में इस पर अपनी राय पेश करना। किसी भी फलसफे का मुताला करने के लिए या इसकी पढ़ाई करने के लिए हमें इस फलसफे की तारीख का मुताला करना बहुत जरूरी होता है। यह पता करना जरूरी होता है क्या इस फलसफे को पेश करने के लिए क्या जरूरत थी और किन वजूहात के बिना पर इसे पेश किया गया। फलसफे अलग अलग जबानों में पेश किए गए होते हैं और किसी भी फलसफे को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जिस जबान में पेश किया गया है इस जबान की तारीख का मुताला करना भी बहुत जरूरी होता है। चूंकि फलसफे में किसी भी नजरिए या टॉपिक का बारीक बिनाई से मुताला किया गया होता है, इसीलिए इसको दूसरे तमाम शोबों की मां कहा जाता है। दूसरा शोबा है साइंस। साइंस दरियाफ्तें और उसूल साजी का दौर। इन दरियाफ्तों की पस पर्दा वजूहात के सिलसिले को समझने के लिए साइंस की तारीख का मुताला करना जरूरी होता है। अजीज तलबा, आप और हम अक्सर कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। हमें साइंस की किसी भी ऐजाद या दरियाफ्त को समझने से पहले यह समझना जरूरी होता है क्या उस दरियाफ्त या ऐजाद की जरूरत हमें किस लिए पड़ी या उसकी ऐसी क्या जरूरत थी जिसकी वजह से इसको ऐजाद करना पड़ा या इसकी उसूल साजी हुई। जब तक आप इन साइंस दरियाफ्तों के उसूल और इसकी तारीख को नहीं पढ़ेंगे या नहीं समझेंगे या इसका मुताला नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कुछ नई इन्वेंशन या नई ऐजाद नहीं कर पाएंगे। साइंस ऐजाद की तारीख साइंस के शोबे में होने वाले तरक्की में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। अब हमारा तीसरा शोबा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी साइंसी दरियाफ्तों का इस्तेमाल करके इंसानी जिंदगी को आरामदायक और तेज रफ्तार बनाना है। जैसे कि जरई पैदावार की तरक्की, यानी अजीत अलबा एक वक्त था जब इंसान लकड़ी, बैलों और जानवरों के जरिए खेती करता था, मगर आज आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं या बड़ी बड़ी मशीनें और आलात आ गए हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं जिससे खेती हो रही है और बहुत अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स आ गए हैं जिसकी वजह से हम लोग एक साल भर की जो फसल होती थी वो 4 या 6 महीने में ले लेते हैं। दूसरा है अशिया की पैदावार। इस तरह आप जानते हैं कि अभी के वक्त में कारखानों की तरक्की बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहला एक वक्त था या जमाना था जब किसी भी चीज की पैदावार या कोई भी जैसे कोई भी चीज अगर हम बनती थी तो वो इंसान बनाती थी या अपने हाथों से धीरे धीरे बनते था जिसकी पैदावार बहुत कम होती थी, मगर अभी के वक्त में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है ना, कारखानों तरक्की बहुत ज्यादा हो गई हुई है जिसकी वजह से जो इससे पहले के वक्त में जो अशिया का या जो क्वांटिटी एक दिन में बनती थी वो अब 1 मिनट में बनती है। तीसरा है तामीरात। जिस तरह आप देखते होंगे आपके मोहल्ले में या आपके शहर में कुछ पुरानी इमारतें भी होंगी, आप उनको देखिए और अभी के वक्त में जो 5-10 मंजिला इमारतें बन रही है जो बिल्डिंग बन रही है उनमें क्या फर्क है ना। जो पुरानी इमारतें होती थी वो मिट्टी की और चूने की होती थी, वो 1 या 2 फ्लोर की ज्यादा ज्यादा होती थी क्योंकि मिट्टी इतना ज्यादा वजन संभाल नहीं सकती, मगर आज आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। और इंजीनियरिंग की तो बात ही क्या है क्योंकि सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हैं या जितनी तरक्की है वो इंजीनियरिंग की वजह से ही है। इंजीनियरिंग यानी मशीनरी बन रही है, बड़ी बड़ी मशीनरी बन रही है। पहले सादा मशीन हुआ करती थी, मतलब ऐसी मशीन हुआ करती थी जो काफी ज्यादा वक्त लेके थोड़ा सा काम करती थी, मगर अभी के टाइम में मशीन ऐसी बन गई है जो बहुत थोड़ा सा वक्त लेती है और काम बहुत ज्यादा करके देती है। साइंस में होने वाली दरियाफ्तें और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर मुनसर होते हैं। अजीत अलबा, जैसे कि आप देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई नई और अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं, तो इंसान के अंदर तजस्सुस है, उसके अंदर बेचैनी है, वो उससे और अच्छा करने के लिए देखता है या उससे और बेहतर चीज बनाने के लिए देखता है। तो ये क्या हो गया कि हमें जरूरत होगी, इंसान का तजस्सुस हो गया कि मुझे इससे बेहतर करना है, उसके लिए क्या होता है फिर और कोई नई ईजाद होती है। यानी क्या टेक्नोलॉजी के हम इस्तेमाल करके कुछ चीज नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें पहले ईजाद करना पड़ेगा, जो कि साइंस है। एक वक्त था जब इंसान पत्थरों के औजार बनाकर अपना जिंदगी बसर करता, मगर आज आप देख सकते हैं जैसे कि इंसान ने मिसाइल बना लिए हैं, रॉकेट्स बना लिए हैं,
और क्या कुछ नहीं बना लिया है। तो अजीज तलबा, इस जो इंसान की जो तरक्की की जो जर्नी है या फिर ये जो सफर है इंसान का पत्थरों से लेकर तो मिसाइल तक का, इसको समझने के लिए हमें टेक्नोलॉजी और साइंस की तारीख का मुताला करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारा चौथा शोबा है सनत व हरफत और तिजारत, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड। सनत व हरफत और तिजारत की वजह से सामाजिक लेन देन के शोबे में तरक्की हुई है, जिसकी वजह से तहजीबी ताल्लुकात के जाल मुसलसल फैलने लगे हैं। तलबा, एक वक्त था कि जब हम जो कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, उसकी जो हदें होती थी वो अपने ही शहर के अंदर या आजू बाजू के एक दो शहर के शहर तक होती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब इंटरनेट और मोबाइल की वजह से अब हम भी कारोबार की जो हदें है ये पूरे मुल्क और पूरी दुनिया तक फैला सकते हैं, जिसकी वजह से जितने हमारा कारोबार फैलेगा उतने ज्यादा हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, और जितने कस्टमर बढ़ेंगे उतने हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे। और आपको पता ही है, अगर हमें हमारा बिजनेस अच्छे से चलाना है तो इन कस्टमर से हमें हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। तलबा, आपने पढ़ा होगा कि पुराने जमाने में जो तिजारत हुआ करती थी वो अशिया के बदले अशिया के लेन देन की हुआ करती थी। जैसे कि किसी के पास में गेहूं है तो गेहूं देके दूसरे से दाल लिया करता, किसी के पास में फल या सब्जियां है तो वो देके अनाज लिया करता था। मगर अभी के वक्त में हम जो तिजारत करते हैं, जो कारोबार करते हैं, वो पैसों के बदले करते हैं। यहाँ तक के आज के वक्त में जो कारोबार हो रहा है वो स्टॉक्स और बिटकॉइन की शक्ल में हो रहा है, ऑनलाइन करेंसी की शक्ल में हो रहा है। इन तमाम तरक्की को और बाजारों की जो बदलती शक्ल है इनको समझने के लिए इनकी तारीख का मुताला करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमें मुस्तकबिल में और तरमीम करने या तरक्की करने में आसानी हो। पांचवा है इंतजामी उलूम यानी मैनेजमेंट। ज़राए पैदावार, इंसानी कुव्वत और पैदावार के मुख्तलिफ अवामिल, बाजार और खरीद व फरोख्त के इंतजामी मामलात के सिलसिले में माजी के निजाम को समझना जरूरी होता है। इस जंजीर में मुख्तलिफ सतहों पर जुड़ने वाले लोगों की रिवायती जिन्हें समझने के लिए इन तमाम का इन्हिसार जिन मुख्तलिफ समाजी और माशी तंजीमों पर होता है, इंतजामी उलूम की तारीख को जानने से भी अभी के वक्त में मुख्तलिफ सतहों पर इसकी मदद हासिल होती है। अजीज तलबा, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए कोई किसी भी चीज का कुछ प्रोसेस होता है, उसको करने के लिए एक मैनेजमेंट सेट किया होता है, उसके लिए करने के लिए मतलब जो लोग उसमें इन्वॉल्व है या जो लोग उसको कर रहे हैं वो एक मैनेजमेंट होता है, वो एक प्रोसेस होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई काम करना शुरू करना चाहते हो और वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस है, स्टेप्स है, तो अगर आप वो नहीं जानेंगे और डायरेक्ट करने जाएंगे तो मुश्किल है उसको कर पाना, है ना। तो किसी भी काम को करने से पहले उसकी जो प्रोसेस है या उसका जो तंजीम है या उसका इंतजाम है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और जैसे कि अगर आप किसी भी शोबे में जाए या किसी भी काम को देखे अगर, तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जिनकी जो जहनीत होती है वो रिवायती होती है, कुछ लोग जो रहते हैं वो अपने अकेले के हिसाब से काम करते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग जहनीत होती है। तो उनको समझ कर लेना और उनकी जहनीत को समझ कर लेना और उसके हिसाब से काम करना या उनके साथ में मिलकर काम करने के लिए आपको जो इंतजामी उलूम की जो तारीख है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इन लोगों के साथ में काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। छठा शोबा है फनून। फनून में अजहारात और इसके पसपर्दा फिक्री, जज्बाती और तहजीबी रिवायत की मदद से होने वाले फनून का अर्तका समझना जरूरी होता है। अजीज तलबा, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी फन यानी आर्ट है ना, फनून मतलब आर्ट्स। तो किसी भी इंसान के अंदर जो फन होता है वो सब में कॉमन चीज नहीं होती है, इंसान को कुछ सीखना पड़ता है। तो जो इंसान ने उसकी शुरुआत की है या फिर जिस इंसान ने उसको इसको इन्वेंशन किया है जिस चीज की, तो वो जो करता है उसके अंदर के जज्बात होते हैं, है ना, उसके अंदर की रिवायत या उसके अंदर जो तहजीब होती है वो उसी ही को एक्सप्रेस करने के लिए या उसी ही को जाहिर करने के लिए उस फन मतलब उस आर्ट के जरिए उसको जाहिर करता है ना। तो अगर आपको कोई चीज या कोई फन सीखना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो उसको जाहिर कर रहा है सामने वाला, उसके दिली जज्बात क्या है, उसकी रिवायत क्या है, उसकी तहजीब क्या है ना। माजी में ऐसे बहुत सारे फन है ना, माजी के लोगों को बहुत सारे ऐसे फन या आर्ट्स आते थे जो आज के वक्त में हमें नहीं आते या फिर जो अभी देखने के लिए नहीं मिलते आमतौर पर। तो अगर हमें उसके बारे में समझना है या तो देखना है, तो देख के समझना है, तो हमको सबसे पहले उसको जो बनाने वाला है उसकी जो सोच की फिक्री जो होती है, मतलब उसकी जो सोच थी या उसकी जो अंदर जज्बात थे उसको समझना जरूरी हो जाता है ना। तो फनून को समझने के लिए उसका जो फनकार है उसके अंदर की जज्बात, तहसीब और रिवायत को समझना बहुत जरूरी है, जो कि हमें उसकी तारीख से सीखने को मिलती है। सातवां शोबा है इंसानी उलूम, है ना। यानी अजतर भाई, जो शोबा है ये सबसे ज्यादा लंबा या फिर जिसको बोलेंगे ज्यादा जिसमें फिक्री और गौर करने वाला
मामला होते हैं इसी शोबे में होते हैं। इस शोबे में खासतौर पर जो इंसान की जो बुनियाद है या इंसान किस तरह से बना, कायनात का किस तरह से बना और इंसान और कायनात जब बनी तो उनके अंदर के ताल्लुकात क्या है, उनके बाहमी ताल्लुक क्या है, इसके ऊपर गौर फिक्र किया जाता है। अजीज तलबा, जैसे कि आपको पता है माजी में हमारे पास में ज्यादा टेक्नोलॉजी के आलात नहीं थे, है ना, तो उस वक्त में जो थे लोगों की जो फिक्र थी, तजस्सुस था कि भाई इंसान की पैदाइश कैसे हुई, उसका और जमीन का रिश्ता क्या है, तो वो इसको जानने के लिए या इसको सोचते सोचते वो लोग जो उनकी जो फिक्र थी या फिर उन्होंने जो कुछ भी सोच के उनके जो मशवरे रखे या उनके नजरियात रखे, वो सब इंसानी उलूम में उनके उन सब की इंसानी उलूम में गिनती होती है ना। तो उस वक्त में जैसे कि भाई देवी देवताओं के जो उनकी रिवायात थी या उनकी जो रसूमात थी वो किस तरीके से हुआ करती थी, है ना, या फिर उस वक्त की जो देवी देवताओं की रसूमात थी, जो उस वक्त में जो भी हम लोग मानते थे, तो उसके बारे में जो भी बारीक और बारीक जो भी पढ़ाई होती है, मुताला होता है, वो इंसानी उलूम में शामिल, इंसानी उलूम में कहा जाता है।